यूपी तक, यूपी का नंबर वन यूट्यूब चैनल। और हमने कितना सच किया है, आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। अंकल तो उसको कह नहीं सकते, अंकल तो एक पढ़ा लिखा जो फैशनेबल आदमी होता है उसको कहते हैं, उनको चाचू जान पसंद है तो बीजेपी का चाचू जान आ गया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी को कहा करता हूँ, अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रखिए। यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अब्बा जान, चाचा जान, जिन्ना और अब औरंगजेब, ये भैया यूपी है और यूपी के चुनाव में इतिहास से लेकर पुराण सब चलता है। लेकिन सवाल यह है कि आप सोच रहे होंगे कि औरंगजेब कहां से आ गया, लेकिन असली सवाल यह है कि यूपी की राजनीति में औरंगजेब है कौन। दरअसल ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल उठा बीजेपी के टीवी वाले प्रवक्ता सम्मित पात्रा के एक ट्वीट से। उन्होंने अखिलेश यादव का एक वीडियो शेयर किया और उस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने औरंगजेब शब्द का इस्तेमाल भी किया। सम्मित पात्रा ने लिखा कि बाबा धाम काशी विश्वनाथ धाम की दिव्यता एवं भव्यता को देख सारे औरंगजेब बौखलाए हुए हैं। अब आप ये समझ ही गए होंगे कि ये सवाल कहां से आ रहा है कि औरंगजेब है कौन। ये हम आपको बताएं या इस सवाल के आगे बढ़ें, पहले आप सुनिए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा जिसे सम्मित पात्रा ने ट्वीट किया है। बनारस में आज प्रधानमंत्री हैं और एक महीने का कार्यक्रम वहां रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, एक महीना नहीं, दो महीना, तीन महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया और इस उद्घाटन समारोह को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक किस्म से मेगा इवेंट का आयोजन कराया। इस मेगा इवेंट को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा, उनके तंज को लेकर अब बीजेपी पलटवार कर रही है। लेकिन इस पलटवार में सम्मित पात्रा ने औरंगजेब का नाम उछाल दिया। सिर्फ सम्मित पात्रा ने ही नहीं, पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन के दौरान औरंगजेब का जिक्र किया, लेकिन हालांकि उनका जो कॉन्टेक्स्ट था वो इससे बहुत अलग था। सुनिए पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान क्यों औरंगजेब को याद किया। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए, औरंगजेब के अत्याचार उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि यूपी की राजनीति में अब्बा जान, चचा जान, जिन्ना के बाद औरंगजेब की भी एंट्री हो गई है। लेकिन सवाल यही है कि यूपी की राजनीति में औरंगजेब है कौन। स्टोरी के साथ मैं हूं रजत सिंह, कैमरे के पीछे हैं सांडिल्य गोपाल और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ।